नमस्कार दोस्तों, जो भी टाइम आपका घड़ी में बज रहा है, अगर उसे हम शीशे में देखेंगे तो बताइए कितना बज रहा होगा, अगर उसे हम पानी में देखेंगे तो कितना बज रहा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, इसमें बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। क्या सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़रा समझिएगा उसको। देखिए किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको कोई समय दे देगा। जैसे लिखा हुआ है कि अगर घड़ी में 6:20 है तो ये टाइम शीशे में देखने पर आपको कितना बजता हुआ दिखाई देगा। एक घड़ी में अगर 2:10 है तो इसे जब हम पानी में देखेंगे तो ये समय कितना बजता दिखाई देगा। तो देखिए इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी आपको समय को शीशे में देखना हो ना, तो जो भी आपको एग्जाम में समय दिया जाए उसको बस 11:60 से आपको घटा देना है। क्या हमने बताया कि जब आपको कहे पूछे कि शीशे में कितना दिखाई देगा, मिरर में कितना दिखाई देगा, तो बस आपको 11:60 से घटा देना है। और जब पानी में पूछे, जब समय को किस में पूछे कि पानी में देखना है, तो फिर हमको 6:30 से घटाना है। अब कहीं कहीं पे समय 6:30 से ज़्यादा लिख सकता है, मान लो 8:30 लिख दिया, 10:30 लिख दिया, कह देगा कि अगर घड़ी में 10:30 या 10 बज रहा है तो बताइए ये पानी में देखने पे कितना बजेगा। तो 6:30 में से तो घटेगा नहीं, क्योंकि 6:30 तो छोटी संख्या है। तब हम ट्रेन के टाइम पे आ जाते हैं, अगर हम 6 में 12 जोड़ देंगे तो 12 6 कितना होगा, 18:30, क्योंकि ये ट्रेन में कितना दिखाई देगा, 18:30, तो हम 18:30 से घटा देंगे। सिंपल सा लॉजिक है। अगर शीशे में आपसे पूछे कि कितना दिखाई देगा तो 11:60 से घटा दो, अगर पानी में पूछे तो 6:30 से घटा दो, अगर संख्या 6:30 से बड़ी है तो 18:30 से घटा दो। सिंपल सा लॉजिक है। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान तरीके से हम लोग करेंगे। जैसे लिखा है कि घड़ी का समय कितना है, 6:20 है, तो शीशे में कितना दिखाई देगा। शीशे के लिए हमने क्या लॉजिक बताया है कि शीशे में जब पूछेगा तो हम किससे घटाएंगे, 11:60 से घटा देंगे दिए गए समय को। 11:60 से दिए गए समय को हम घटा देंगे, यानी घड़ी के समय को हम घटा देंगे। आप लोग ये प्रैक्टिस करिएगा, घड़ी में देखिएगा और फिर उसमें शीशा लगा करके आगे देखिएगा, तो आपको खूब सारी प्रैक्टिस हो जाएगी कितना बजा दिख रहा है। देखो यहाँ पर घटाएंगे तो 6 में 2 जाएगा, 4 बचेगा, और 11 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 5:40 दिखाई देगा शीशे में। सोचिए जो समय आपको वास्तव में घड़ी में 6:20 दिखाई दे रहा है, जब आप उसको शीशे में देखोगे तो 5:40 दिखाई देगा। तो यही लॉजिक आपको लगाना है, सिंपल सा लॉजिक है। और इसी क्वेश्चन को जरा पानी में देखते हैं हम, तो लिखा हुआ है कि एक घड़ी में 2:10 है, पानी में ये समय कितना दिखाई देगा। तो पानी के लिए हमने क्या लॉजिक बताया है कि पानी में अगर देखना हो तो किससे घटाएंगे, पानी में देखना होगा तो हम 6:30 से घटा देंगे। किससे घटा देंगे, 6:30 से घटा देंगे। तो 6:30 से घड़ी के टाइम को घटाओ जरा, 2:10 इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, देखिए 0, 3 में 1 गए 2, 6 में 2 गए 4, तो 4:20 दिखाई देगा पानी में। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है एक घड़ी में 10 बज रहा है, ये समय पानी में कितना बजता दिखाई देगा। अच्छा कितना बज रहा है, 10 बज रहा है, किस में देखना है, पानी में देखना है। तो पानी में देखना है तुरंत दिमाग में आना चाहिए, पानी में देखना है तो हम 6:30 से घटाते हैं। लेकिन अगर संख्या 6:30 से बड़ी है, देखो 6:30 से बड़ी है ना, अगर संख्या 6:30 से बड़ी है तो हम क्या करते हैं, 18:30 से घटाते हैं। किससे घटाते हैं, 18:30 से घटाते हैं। तो हम इसको किससे घटाएंगे, 18:30 से घटाएंगे। तो जब हम 18:30 से 10 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 8:30। यानी अगर घड़ी में आपके 10 बज रहा है तो ये जब समय आप पानी में देखोगे तो ये 8:30 दिखाई देगा। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक, बहुत आसान तरीका है और बहुत काम का मेथड है। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, जरूर लर्न करिएगा, अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।